हाँ गुड मॉर्निंग, इट्स सेकेंड डे टुडे। तो आज हमारा दूसरा दिन है और यहाँ पे हम रुके थे एक धर्मशाला में और उसके जो एक्सपीरियंस था काफ़ी अच्छा था। चलिए मैं दिखा देता हूँ ये धर्मशाला कहाँ है। अभी ऊपर भी जो है ना थोड़ी देखिए यहाँ पे धूप आ रही है, तो अभी हम जा रहे हैं और लाइन में लगेंगे प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो अभी हम नहाए, सब कुछ काम किए, तो मैं ये धर्मशाला, मैं अगर आप आओगे तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अगर आओ तो यहीं पर रुको, क्योंकि इसमें ना आपको बहुत अच्छी, एक तो सफाई बहुत अच्छी मिलेगी, गीज़र मिलेगा और भाई आपको जो है ना कंबल वगैरह मिलते हैं। कंबल की लाइन दिखाता हूँ मैं, जब कंबल जमा होते हैं तो कैसे लाइन लगती है। अभी के लिए चलिए मैं निकलता हूँ और दिखाता हूँ आपको ये जगह कहाँ पे है। कंबल जमा हो रहे हैं सर, जो आप कंबल लेते हैं वो बाद में जमा करने होते हैं। ये देखिए ये करना है कि जहाँ से ये एंट्री टिकट काउंटर, बस इतना देखना है यहाँ पे ना, एंट्री टिकट काउंटर यहाँ से जो हिंडोला जाता है ना वो लेके जाता है और यहीं पे धर्मशाला, ये वाला जो जीना जा रहा है ये वाला, इसी को जाना होता है आपको। देखिए वो आ रहा है और इधर से पूरी लाइन लग रही है उसके लिए। नेस्कैफे भी है यहाँ, तो आपको अगर खाना पीना होगा, देखिए वहाँ पर धूप है और यहाँ धूप नहीं है। तो चलिए मैं चलता हूँ ऊपर और आपको दिखाता हूँ कि तो अगर आप ऊपर से आते हैं ना, तो ऊपर से आने पे आपको कहाँ से आना है, मतलब दो तीन जीने नीचे उतरना है, उसके बाद आप आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो पूजा, ये दिखा ना पूजा भंडार, यहाँ से आपको सीधा नीचे आना है। ये आपको ना यहाँ से, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको पीछे, और पीछे दिखाने के बाद आपको यहीं से आना है। थोड़ा थक गया हूँ तो इसलिए ऐसे हाँप रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको कहाँ से आना है। तो ऐसे करके उधर से जीना आ रहा है ना, ये मतलब ये स्टेज नीचे आ रही है, ये ढलान, तो आपको ये दिखाई देगी पूजा भेंट भंडार। तो यहाँ से भेंट वगैरह मिलती है जो वहाँ पे चढ़ाया जाता है, प्रसाद प्रसाद मिलता है। इसके जस्ट नीचे ये वाला जीना जा रहा है, इसको जाना है आपको, और नीचे जाके वो जगह जो है मिल जाएगी। चलिए मैं अभी निकलता हूँ और उनसे मिलता हूँ, वो कहाँ गए। अभी बर्फ़ पड़ी हुई है इधर, ये देखिए रात में ठंड हुई थी तो बर्फ़ पड़ी हुई है। तो मिलता हूँ वो माता का भवन, और लाइन जो है अभी लग चुकी है शायद। तो अभी पहले तो हम अपना लगेज जमा कर देते हैं पूरा, उसके बाद हम मतलब अभी ढलान पे आरती हो रही है और आरती के बाद ही जो है खुल जाएगा गुफा का रास्ता और सब कुछ रास्ता। तो चलिए लगेज के लिए हम अभी जाते हैं, खाली रास्ता पड़ा है, देखिए हम ही जा रहे हैं बस। भाई मैं गिर गया था यार। चलिए लगेज जमा करते हैं अपना आराम से, उसके बाद निकलते हैं और मज़े करते हैं। अभी सुबह सुबह ही दर्शन करने का एक और मज़ा है, शाम को आप दर्शन करते हो तो पता नहीं कैसा रहता है, पर सुबह सुबह अच्छा रहता है। अभी तक भीड़ भी नहीं है यहाँ, तो चलिए मिलता हूँ और दिखाता हूँ लगेज कहाँ जमा, लगेज जमा हो रहा है। उसके बाद फ़ोन वगैरह सब यहीं पर रख दूँगा मैं, कैमरा वगैरह, फ़ोन वगैरह सब, कैमरा अलाउ नहीं होता, मैं फ़ोन से ही शूटिंग कर रहा हूँ। तो अभी जो है मैं कर देता हूँ फ़ोन जमा, उसके बाद बातचीत करेंगे, सारी बात करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, मिलता हूँ प्रसाद चढ़ाने के बाद। यहाँ पे लोकर पे ना, यहाँ पे रख लिया गया सामान, हमारा लोकर ऐसा मिला है। मैं तो आप गली बैठ गया था। अरे तू देख ना, ऐसे लोकर होते हैं, एक आपको ताला मिलता है, ताले में रखो सामान, लोकर में जाओ। नाउ फाइनली हमने भाई जो है दर्शन वगैरह वो सब कर लिए हैं, अभी हम जा रहे हैं ऊपर भैरव देव के मंदिर। और दर्शन के लिए मैं आपको एक सलाह दूंगा कि सैटरडे संडे आप मत आएँ, क्योंकि सैटरडे संडे में गुफा बंद रहती है और रश बहुत ज़्यादा रहता है। और अगर आपको आना है ना तो आप मतलब वीकेंड पे तो बिल्कुल मत आएँ। दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी दर्शन करें और सुबह दर्शन करें। अगर शाम को आप दर्शन करते हैं तो शाम को तो बहुत भीड़ मिलती है। अभी हम गए थे और एक घंटे में मतलब प्रॉपर तरीके से दर्शन करके आए, वहाँ पर सारी चीज़ें देखी। अभी भैरवनाथ चलते हैं, इस वीडियो में इतना ही, और भैरवनाथ के दर्शन आपको मैं कराता हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।